हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी देख सकते हो आप, आज हमारे पास बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन तड़कता और भड़कता वीडियो है। अभी मैंने जल्दी ही परचेस की अपनी न्यू R15M और अभी अराउंड 200 किलोमीटर चली है, तो सोच रहे थे कि एक सर्विस करवा ले, लेकिन सोचा कि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वीडियोस लगातार आ रही हैं यूट्यूब पे, तो हमने सोचा हम भी बना लेते हैं। वैसे 200 किलोमीटर तो चला ही लिया बाइक को बिना भगाए, तो अभी भगा के देखते हैं क्या होता है। नई बाइक है, पूरा चलाएंगे ऐसे ही मज़े से, और कंटिन्यू रेस नहीं करना है। अभी 2-3-4-5 रोज़ रेस करके फिर 1000 किलोमीटर करके चला के, और ये तो खैर रही अपनी पर्सनल बात। तो अभी हम करने जा रहे हैं RS के साथ, जो कि वो भी BS6 है, और ये तो BS6 है ये। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बाइक का लुक, और ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है, और काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं UHD 4 का गैस में, और इसमें आप देख सकते हो वही अपना डेली। और बाकी इस RS में कुछ मॉडिफाइड है, अभी भाई ने बताया नहीं क्या मॉडिफाइड है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटर हटाया गया है जिससे बिना लिमिटर के बहुत कर्री भाग रही है। तो अभी R15 के साथ देखते क्या सीन होता है। अब इसमें पावर भी ड्रॉप हुआ है, और बाकी आपका ट्रैक मोड किस पर्पज़ से है, क्या काम करता है, जहाँ तक मैंने डिस्प्ले इसके स्पेक्स पढ़े हैं तो जो ट्रैक मोड है वो डिस्प्ले के लिए है, बस डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन चेंज होती है और पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी देखते हैं करके तो R15 का क्या होता है। 155 cc इंजन और 200 cc इंजन से, और 18 PS पार, और उसमें आपका 24 PS पार के आसपास आता है समथिंग। तो अभी मेरे साथ ड्राइव टेस्ट करेंगे कुंदन भाई, इनका वेट ज़्यादा है मेरे से, तो अभी फर्स्ट राउंड में मैं चलाऊंगा अपनी R15 और कुंदन भाई चलाएंगे RS। और इसमें कुछ मॉडिफाइड है ना, कुछ मॉडिफाई है, मतलब कि RS जो RS होती है वो RS है नहीं है। तो भाई देख लो, हम लोग पहले जुगाड़ हो नहीं पाया तो अभी ये RS मिली है, मेरे से RS लॉन्च भी नहीं होती सही। चलो देखते हैं, फिर भी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ तक इस RS में ट्रैक्शन कंट्रोल इसको ऑफ कर दो, हाँ ऑफ है, ट्रैक पे लगा है, उधर को ट्रैक पे लगा दिया है। तो अभी भाई मैंने ट्रैक मोड पे डाल दिया है बाइक, और अभी देखते हैं क्या होता है भाई। और पहली बार ये भागने जा रही है, अभी तक ये 100 की स्पीड में भी नहीं गई है अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं रेस और देखते हैं। इसमें कुछ कराया है, मुझे लगता है स्प्रॉकेट इसने चेंज कराया है, इसने पिकअप नहीं मिला, टॉप एंड इसलिए मिलेगा इसमें, देखना। टॉप एंड मिलेगा इसमें, स्प्रॉकेट चेंज कराया है इसने 100। लेकिन और भाग भी नहीं रही है ये, देखते हैं कहां तक भागती है। बोला तो था स्प्रॉकेट चेंज है इसमें, टॉप एंड बढ़ेगा, देखते हैं कितनी बढ़ती है टॉप एंड, अगर स्लिप स्ट्रीमिंग करेगा वो
तो हो सकता है आगे निकलने की कोशिश हो जाए उसके, लेकिन अभी रिजल्ट क्या है पता चलेगा थोड़ी देर में। वैसे तो आगे ही है, देखिए आ गया बगल में स्लिप स्ट्रीमिंग। ओ भाई बगल में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है कुछ अगर देखा जाए तो। जा रही है यार, बहुत ज्यादा नहीं जा रही है। चलो अब खत्म करते हैं रेस को यहीं पे। अरे घंटा नहीं भाग रही, बोला तो 160 जा रही है ये। 147 से ज़्यादा नहीं जा रही है और ने इसने इसलिए तो भाई अभी देखा आपने मतलब की R15 थी अगली बगल थी, उतना भी कुछ गैप मेंटेन नहीं था कुछ खास। और अभी हम RS चलाने जा रहे हैं और वेट भी एक्सचेंज हो गया है, मेरा इस पर आ गया है 64 और कुंदन भाई का इस पर 85 आ गया। तो अब चलिए शुरू करते हैं सेकंड राउंड, देखते हैं इंडिकेटर चल रहा है। भाग रही है भाई, ये देखो हल्के वेट पे निकला लड़का। हम भी भगाएंगे, शिफ्टर का कमाल बगल ही में है। ₹139-140 पहुंची। ओ भाई वेट कम करना पड़ेगा। स्पीड गिरा दी गई है यामाहा द्वारा।
रही है R15 की, जो कि नहीं है सही, गलत बात है, बट स्पीड स्लो हो गई। तो ये धीरे धीरे 150 चली गई थी, 150 गई। हाँ तो लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका स्पीडो उससे ज़्यादा एरर आ रहा है, पता नहीं है, क्योंकि शायद 140 पे वो थी और ये 144 थी, ये 146 थी उतनी टाइम पे। चलो वो तो GPS से पता चल जाएगा। यहाँ पे यही है कि भाई R15 पीछे थी और इनने कुछ मॉडिफाई करा। और भाई RS में यहाँ पे स्पॉकेट चेंज है जो टॉप एंड ज़्यादा बढ़ा दे रहा है इसका। और देखा ना आपने, जो इनिशियल होता वो नहीं मिल पा रहा है RS को। अगर जो RS में स्टॉक स्पॉकेट लगा होता तो फिर आप समझ रहे हो ना, इनिशियल में वो निकल जाती, टॉप एंड में रह जाती। तो यहाँ पे ये चेंजेस है, बाकी R15 जो है पूरी स्टॉक है फुली, और ये अपने हिसाब से बहुत सही है। और अभी भाई ये पहली बार भागी है ट्रैक पे यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले भी ट्रैक पे बिल्कुल उतारी ही नहीं गई थी। तो अभी ये पहला है इसकी लाइफ में जो 100 से प्लस गई है ये। और भाई बाकी आप देख सकते हो, समझ सकते हो, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, क्योंकि मेरी R15 पे अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। और आपको क्या वीडियो चाहिए, कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए, वो आप मेरे को ज़रूर बताओ कमेंट करके, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर लो वहाँ पे। और इससे कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए प्लीज़ भाई मैसेज या कमेंट करो, फटाक से वीडियो आपको मिलेगी। किसी भी बाइक से करना हो फटाक से मैसेज करो, कमेंट करो, वीडियो आपको मिलेगी जल्दी से जल्दी। जितनी जल्दी कोशिश करूँगा उतनी जल्दी वीडियो आपको बना के मैं दे दूँगा। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे रेड कलर का दिख रहा है उसका ग्रे कलर बेल आइकन प्रेस कर लो। और मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, राइड सेफ, हेलमेट ऐसा पहन करो, राइड और ड्राइव दोनों सेफ करो, बाय बाय।